कानपुर नगर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र में एक होटल में हजरत अली के नाम की बेइज्जती। कानपुर नगर के थाना ग्वालटोली में एक अली के नाम से होटल खोला गया है, जिसमें नैपकिन से लेकर गिलास, बोतल, कोल्ड ड्रिंक तथा कोई भी चीज़ जो होटल में इस्तेमाल होती है उस पर हजरत अली का नाम लिखकर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी को लेकर कानपुर के शहर काजी ने होटल में जाकर हंगामा काटा और हजरत अली के नाम की बेहरमती करने वाले को थाना ग्वालटोली इंचार्ज से उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर होटल बंद कराने के लिए कहा। होटल वाले ने कहा है कि मेरे 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं। शहर काजी ने जब कहा मैं 15 लाख दूंगा, तूने जहाँ जहाँ हजरत अली का नाम इस्तेमाल किया है वो सब चीज़ें मुझे दे दे। होटल का मालिक भी मुसलमान है और उसको मालूम है कि हम गलत कर रहे हैं। अफसोस की बात है कि अपने फायदे के लिए आदमी धर्म का नाम लेकर ऐसे काम करता है। मौके पर पहुंचे एक्शन 7 न्यूज़ के पत्रकार से शहर काजी ने बताया कि हमने ऐसा ग्वालटोली से दुकान सील कर मुकदमा पंजीकृत करने के लिए कहा। देखना यह है प्रशासन इस गंभीर मामले को कैसे लेता है। मैं मिश्रा के साथ दिलशाद की रिपोर्ट। कहा कि अगर ये मामला था तो आपको ठंडा करा देना चाहिए था भाई। हमारी जात की बात होगी हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारे बुजुर्गों की शान में कोई भी गुस्ताखी करेगा हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। 10 लाख रुपए का है, 15 लाख रुपए का हम देंगे अभी यही तत्काल में। ये रखा क्यों गया यहाँ? आप लोग इस्लाम के धर्म को लेकर इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। हम लोग पूरे शहर को इस तरीके से मैनेज करते हैं। चलो भाई किसी तरीके की कोई तकलीफ कोई वारदात ना हो। और जिसने भी बोला कोई हो हम कहते इसको बर्दाश्त नहीं। ये क्या आएगा पैर के नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आप लोग बताओ, आप लोग भी हो इंसान हो। अगर आपकी जात की बात होगी तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। हमारे बुजुर्ग